सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का जो कि एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है, बराबर। तो जितने भी लोगों ने 4 तारीख तक लास्ट डेट था एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, वहां तक जिन्होंने भी सबमिट किया है उन सब लोगों के लिए जिनका भी सक्सेसफुल हुआ है रजिस्ट्रेशन, उन सब का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है और वो कैसे देखना है, उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है, बराबर, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि ताकि आगे आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान। यहाँ एक छोटी सी भी गलती अगर आप कर देते हो तो आगे जाके चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल बन जाता है, ठीक है। तो वीडियो ध्यान से देखना है, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें ध्यान से सुनना है और वो सब वेरीफाई करना है, बराबर। 8, 9, 10, बराबर, आई थिंक 8, 9, 10 तीन दिन है आपके पास, वो सारी चीज़ें जो भी करेक्शन है वो करना, और 12 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद आपको करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, उसके साथ ही जो भी डेटा है वही वैसा ही फॉरवर्ड हो जाएगा, बराबर। तो एक्चुअल में करना क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, बराबर। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, इसको लाइक करना है। अगर आप लाइक करते हो तो यूट्यूब खुद इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है, बराबर। और पूरे एडमिशन के प्रोसेस के दौरान मैं आपको हेल्प करूंगा आपके एकेडमिक में और आपके करियर तक, ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन वगैरह जो भी होता है वो भी आप प्रेस कर लो, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या क्या सिचुएशन है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन आईडी और क्या चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ है, ओके। एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन आईडी मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन किया था तब एक आईडी मिलता है, बराबर, उसके साथ ही आप लॉगिन करते हो। हर वक्त लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड लगता है, तो वो आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का स्टेटस आपको दिख जाएगा, बराबर। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का स्टेटस देखने के बाद आपको क्या करना है, सारी चीज़ें जो कि डिस्प्ले हुई हैं वहाँ पर आपके बारे में, आपका नाम होगा, आपने जो भी डिटेल्स प्रोवाइड की थी एप्लीकेशन फॉर्म करते वक्त, रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वो सारी चीज़ें करेक्ट हैं या नहीं ये आपको चेक करना है, बराबर। और ग्रीवंस होता है, आपको कोई तकरार देनी है, मतलब ग्रीवंस रेज कर सकते हो आप। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखता है आपके, आपके मार्क्स हो सकते हैं, सर मेरे मार्क्स जो है सही नहीं दिख रहे, मैंने तो इतना डाला था वो मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, कुछ अलग ही मार्क्स दिख रहे, मेरे नाम में गलती है सर, बराबर, या आपने गलती की होगी या फिर कहीं से भी गलती हुई, गलती अगर दिखती है तो उसके लिए आपको मौका दिया जा रहा है वो गलती सुधारने के लिए, बराबर। तो कैसे सुधारेंगे, तो कल से लेके अगले दिन से 8 से 10 तारीख तक आपको मौका है आपके पास, आपने जहाँ से भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वहीं से आप जाके करेक्शन कर लीजिए जो भी है और वो ग्रीवंस रेज कीजिए। और जब आप करेक्शन करते हो मार्क, सपोज आपका कोई भी डेटा इनवैलिड है वहाँ, मतलब गलत दिखा रहा है, तो उसका प्रूफ भी आप वहाँ पे अटैच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो जो भी प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ से अप्रूव करेंगे तो वो करेक्ट होके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको करेक्ट होके आएगा, बराबर। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। अब ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में मुझे सही दिख रहा है सब कुछ, कोई मतलब गलत नहीं है, मेरा डेटा सही है, डिटेल्स सब सही है, तो फिर कुछ नहीं करना है आपको, बराबर, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी एज इट इज आ जाएगा, बराबर। अब जिनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है उनका तो कोई कुछ नहीं हो सकता, ऐसे भी कई स्टूडेंट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, सर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है, इसका मतलब आपका फॉर्म कन्फर्म नहीं हुआ था, तभी तो आपका नाम नहीं है उसमें, वो सारे लोगों का नाम वहाँ पर होगा जिनका फॉर्म कन्फर्म हुआ था FC की तरफ से, फैसिलिटेशन सेंटर जो भी होता है, बराबर, जो भी आपका सेंटर है, बराबर। और जिनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम है उनका फाइनल में भी आ जाएगा, ठीक है, उसकी कोई आपको चिंता नहीं करनी है, बराबर। उसके बाद 12 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा और आपका जो मेरिट नंबर दिखा रहा है वो एज इट इज़ फाइनल में भी आएगा, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं, कई बच्चे उसमें से गायब हो सकते हैं, कई बच्चे का डेटा कुछ मौका दिया है तो ऐड हो सकता है, तो माइनर चेंजेस होते हैं, लेकिन आपका मेरिट जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एज इट इज ही रहेगा, बराबर। और तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगी, कोई भी गलत है तो आप करेक्ट कर लीजिए,
ज़रूर कर, दोबारा बता रहा हूँ मैं, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसको ईजिली लेते हैं बहुत सारे बच्चे, तो आपका डेटा वैसा का वैसा वो पूरा सबमिट रिकॉर्ड्स में वही चला जाएगा। अगर नाम में छोटी सी भी गलती है, मान लीजिए आपका जो भी नाम है, मान लीजिए पूजा नाम है बराबर, तो पी यू जे ए और पी डबल ओ जे ऐसे दो नाम होते रहे, तो ये बहुत गलती होती है। अगर आपके रिकॉर्ड्स में आज तक जो नाम है वही एज इट इज स्पेलिंग आपको डालना है, ए बी सी डी, एक भी कैरेक्टर मिसिंग है या फिर एक्स्ट्रा है वो भी आपको करेक्ट करना है बराबर। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटर को पता नहीं है कि भाई कैरेक्टर ये गलती है, वो गलती नहीं समझ सकता, उसको मैच नहीं हो रहा तो रिजेक्ट कर देगा आगे, ठीक है। तो इसलिए उसको ईजिली मत लो, अगर गलत दिखा रहा है कुछ तो चेंज के लिए अप्लाई करो, फाइनल मेरिट लिस्ट में करेक्ट होके आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपके कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी, आपका सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा। अब सीट मैट्रिक्स क्या होता है, कैप राउंड वन कैसे फॉर्म भरना है, ऑप्शन फॉर्म कैसे भरते, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, हर एक टाइम पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, चाहे तो हम लाइव भी आएंगे आपके, डायरेक्ट आपके लाइव आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, एडमिशन के रिगार्डिंग बातें करेंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप सब लोग अभी कौन सा कॉलेज डालूँ कौन सा कॉलेज नहीं डालूँ ये सोच रहे होंगे, ऑप्शन फॉर्म में कौन से कॉलेज डालना है आपका, मेरा तो स्कोर इतना है, मुझे तो ये कोर्स चाहिए, मुझे मिलेगा या नहीं, कैसे करूँ बराबर। तो अगर आपको कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करना है, हेल्प चाहिए, तो हर एक पुणे में अभी तक जितने भी कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के सारे कॉलेज का रिव्यू अभी तक अवेलेबल है, और हम रिव्यू और कॉलेजेस ऐड कर रहे हैं सारे के सारे उसमें बराबर। पूरे महाराष्ट्र के भी कॉलेजेस का रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं जितने ज़्यादा हो सकते हैं, ताकि आपको हेल्प हो एडमिशन के दौरान। तो हर एक कॉलेज पर डेडिकेटेड वीडियो अभी तक सारे के सारे पुणे के कॉलेज अलग प्लेलिस्ट बनाई हुए हैं, वहाँ पर जाके वीडियोज देखिए और कॉलेज आपके लिए सही है या नहीं है डिसीजन लीजिए। आप भी खुद से रिसर्च कर सकते हो और हर एक वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, कट ऑफ, फिर इनटेक कितना है, हॉस्टल है या नहीं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज का लोकेशन, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें हर एक वीडियो में डिस्कस है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे नाम का पुणे का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप सारे के सारे कॉलेजेस देख सकते हो बराबर। तो आज से ही शुरू कीजिए बराबर लिस्ट बनाना, और उसके हिसाब से अगर जल्दी बनाना शुरू करोगे तो आप वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आगे जाके। तो इसलिए हमारे जो वीडियोस अवेलेबल है उसका रेफरेंस ज़रूर आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो मेन चीज़ें थी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखना है, उसमें कोई करेक्शन है तो कल से आपको 3 दिन दिए हैं उसके रेज करना है ग्रीवेंस, और वो करेक्ट होके फिर 12 तारीख होएगा। ये अभी के लिए इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, जैसे ही प्रोसेस आगे जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी तब भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा अगले स्टेप्स के लिए। तो हर एक स्टेप पे मैं आपको गाइड करूँगा एडमिशन के दौरान, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो करते रहना बराबर। आपके एकेडमिक जैसे ही स्टार्ट होंगे उसके ऊपर हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के वीडियोस यहां पर फ्रीली आपके लिए अवेलेबल होंगे, अभी भी अवेलेबल है, आप जितने हैं ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपके एडमिशन से लेकर आपके करियर तक ये चैनल आपको हेल्प करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है। और आप खुद लाइक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका लाइक करते हो तो YouTube एल्गोरिदम इसको समझ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो खुद ब खुद पहुंचने लगता है, ठीक है। और रुकते हैं यहाँ पर, फिर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। कई बच्चे कुछ डाउट पूछते हैं, सर इस कॉलेज के बारे में बताएं, उस कॉलेज के बारे में बताएं। मैं सबको बोलना चाहूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज कवर करने की कोशिश, ठीक है, लेकिन इतना भी पॉसिबल नहीं कि एक ही दिन में सारे कॉलेज का नहीं कर सकता बराबर। तो बी पेशेंस रखिए, सारे के सारे कॉलेजेस की कवर करेंगे हम, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे एडमिशन के दौरान आपको गाइड करना है, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी करेंगे, तो पेशेंस रखना है तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक और ऐसे ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।